हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल ऐप। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे जो पिछला वीडियो था वो इंट्रोडक्शन था 6.2 का, तो उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कई सारी ऐसी बेसिक चीज़ें बताई हैं जो मैं अब आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन करके समझाऊंगी तो आपको शायद डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स तो मेंशन है ही, इस लिंक को भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है उसमें हमको बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। तो टू डायमेंशनल प्लेन हमारा क्या होता है, एक्स वाई प्लेन। तो उस प्लेन में हमको हमारी जो इनइक्वालिटीज हैं जितनी भी हैं, तो यहाँ पर टोटल 10 इनइक्वालिटी हैं, उन सभी को हमको ग्राफिकली यहाँ पर टू डायमेंशनल प्लेन में सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, x प्लस वाई लेस देन 5, इसको हमको टू डायमेंशनल प्लेन में सॉल्व करना है। तो देखिए, अकेला आपको ग्राफ बना के काम नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर चीजें लगती हैं वो सभी यहाँ पर आपको सॉल्व करनी होगी। तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि यहां पर हमारी इनइक्वालिटी कौन सी है, तो x प्लस वाई लेस देन 5 है। तो सिर्फ अकेला लेस देन है, तो सिर्फ लेस देन हो या सिर्फ ग्रेटर देन हो, तो ये हमारी कौन सी इनइक्वालिटी होती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तो जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये तो इनइक्वालिटी है लेकिन इक्वेशन के थ्रू ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो x प्लस वाई ये लेस देन है, इक्वल लेके हम 5 लेंगे, तो उस लाइन का जो भी ग्राफ बनेगा वो बनेगा डॉटेड लाइन से। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करना है कि आपकी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई प्लेन को दो हाफ में डिवाइड करना होगा, क्योंकि सॉल्यूशन इसमें डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसमें कई सारी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि ये लेस देन है, तो यहां पर वही बात है कि प्लेन का अपर हाफ, लोअर हाफ या फिर लेफ्ट हाफ, राइट हाफ, यानी दो हाफ में से कोई भी एक सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमको जरूरी है कि एक लाइन हम ड्रॉ करें जिससे हमारा प्लेन दो हाफ में डिवाइड हो, तो इसी के थ्रू हम उस लाइन को यहां पर फॉर्म करेंगे। तो x प्लस वाई बस हमारी इनइक्वालिटी के प्लेस पर इक्वल लगा लेंगे और 5। तो इस लाइन के लिए हम यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, उसी से हम यहां पर ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहां पर तो हम अपने मन से वैल्यू ले ही सकते हैं, x के प्लेस पर कोई वैल्यू लेंगे तभी जाके हमको y के प्लेस पर मिलेगा, ठीक है। तो x के प्लेस पर सबसे पहले हम ले लेते हैं 0। इस इक्वेशन में मैं पुटअप कर रही हूँ 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, समझ में आई बात। x के लिए मैंने 0, तो x के प्लेस पर 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू हमको मिल गई 5, मतलब x की प्लेस पर 0 पुटअप करने पे हमको मिला y 5, ठीक। एक वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर मैं जो वैल्यू ले रही हूं अपने मन से, इसके प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू आपको ऐसी लेनी है कि आप उसको इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो मैंने यहां 0 लिया, तो ऑब्वियसली y इक्वल टू 5 अकेले ही बचेगा, तो y 5 मिल गया। फिर मैंने ये देखा कि अगर मैं x 5 ले लेती हूँ तो ये 5 उस तरफ जाके 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, सिंपल है। तो ऐसी वैल्यू आपको देखकर लेना है जिससे आपको ग्राफ पर जब आप उन वैल्यूज को प्लॉट करें तो आपको ईजी रहे, ठीक। इसमें पुट अप कर रहे हैं, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 5, तो वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब यहां पर देखें, हम टेबल बना लेते हैं इसके सॉल्यूशंस की। हमने x क्या लिया था, 0, तब जाके y हमको कितना मिला 5, फिर हमने x लिया 5, तो y हमको मिला 0, ठीक है। और ग्राफ पर भी हमको उतना ही लेना है जितनी हमको जरूरत है, ठीक है।
सो यहाँ पर हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अब हमको ये जो वैल्यूज हमने फाइंड करी हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन लाइन हमको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। अब डॉटेड क्यों करनी है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको एक एक चीज क्लियर करी थी कि यहाँ पर इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल को हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। रीजन वही है जिससे कि जो हमारा प्लेन है वो दो हाफ में डिवाइड हो सके और हमको क्लियर हो सके कि हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कौन से हाफ में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कैसी लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, यानी कि हमारी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल का यहाँ कोई काम नहीं है इसलिए, ठीक है। तो x 0 y 5, तो x 0 y 5 ये पॉइंट, ठीक है। फिर x 5 y 0, तो ये दो पॉइंट हैं, इनको हम ज्वाइन करेंगे लेकिन डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ग्राफ में मेंशन करनी है कि ये आपका पॉइंट क्या है, 0 5, एक्स 0 वाई 5, ये पॉइंट है एक्स 5 वाई 0, और ये जो आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है ये ग्राफ किसका है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलिए अब हमको ये देखना है कि इस लाइन के कारण हमारा ये जो प्लेन है, टू डायमेंशनल प्लेन, ये दो हाफ में डिवाइड हो गया है, इस लाइन के इस तरफ का और इस लाइन के इस तरफ, तो अपर हाफ लोअर हाफ, ठीक। तो अब हमको ये देखना है कि जो हमारी इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन कहाँ है, इस लाइन के लोअर हाफ में है कि अपर हाफ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जो इस लाइन पर ना हो, क्योंकि जो भी पॉइंट इस लाइन पर रहेगा वो तो इस लाइन का सॉल्यूशन रहेगा ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का। तो हमको इससे सॉल्यूशन नहीं लेना, हमको ये देखना है कि इस लाइन के इस तरफ कोई पॉइंट लेंगे या फिर इस लाइन के इस तरफ लेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका जो कि मैंने आपको बताया है कि आप एक ये जो पॉइंट है आपका 0 0 ओरिजिन, आप इस पॉइंट को ले लीजिए, और अगर ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो ये लोअर हाफ में होगा, अदरवाइज अपर हाफ में होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखकर शो करनी है कि आप क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0, अब हम एक पॉइंट ले रहे हैं 0 0, और ये 0 0 पॉइंट इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, मतलब कि इस लाइन का हमको कोई भी पॉइंट नहीं लेना है जब हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है नॉट ऑन द लाइन एंड सब्सटीट्यूटिंग इट इन द गिवन इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी में हम इस पॉइंट 0 0 को सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी ली एक्स प्लस वाई लेस देन 5, तो 0 0 का मतलब एक्स की वैल्यू भी 0 वाई की वैल्यू भी 0, तो हमने एक्स की प्लेस पर भी 0 पुट अप करा, वाई की प्लेस पर भी 0 पुट अप करा, लेस देन 5, तो 0 प्लस 0 0 लेस देन 5। तो अब आप देख रहे हैं क्या 0 5 से छोटा है, हाँ 0 तो 5 से छोटा ही है, वो वही चीज आ रही है यहाँ पे, 0 इज लेस देन 5, तो ये ट्रू है क्या, बिल्कुल ट्रू है। विच इज ट्रू, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारी इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन कहाँ आ रहा है, हमारे लोअर हाफ में आ रहा है, मतलब लोअर हाफ ही हमारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्लियर। तो देखें ये सारी चीजें हमको मेंशन करके यहाँ पर लिखना है कि 0 इज लेस देन 5, तो 0 5 से छोटा है, हाँ करेक्ट है, तो मतलब कि ये जो 0 0 पॉइंट है इस पॉइंट ने हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा, तो विच इज ट्रू, ये ट्रू है। सो 0 0 बिलोंग्स फ्रॉम लोअर हाफ प्लेन, तो इस लाइन के कारण ये दो हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, ये है अपर हाफ और ये है लोअर हाफ, ठीक है। तो अगर 0 0 पॉइंट लोअर हाफ से बिलोंग कर रहा है और इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी किया, इसका ये मतलब हुआ कि जो लोअर हाफ प्लेन है वो इसका सॉल्यूशन है, लेकिन क्योंकि ये जो लाइन है ये डॉटेड लाइन है और हमारी जो इनइक्वालिटी है ये है
सिर्फ और सिर्फ लेस देन, इक्वल इसमें है ही नहीं। अगर इक्वल होता तो ये हम डॉटेड लाइन भी नहीं बनाते, है ना। तो इस लाइन को छोड़कर इसके नीचे का जो हाफ प्लेन है हमारा, लोअर हाफ प्लेन, ये है हमारा सॉल्यूशन रीजन, किसके लिए, हमारी इस इनइक्वालिटी के लिए। सो हमने यहां पर मेंशन कर दिया, हेंस लोअर हाफ प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, एक्सक्लूडिंग मतलब लाइन के पॉइंट्स को हटाकर, इसके नीचे का जो प्लेन है लोअर हाफ प्लेन, ये हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन इस लाइन के जो भी पॉइंट्स हैं उनको हटाकर, इसलिए एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो इसके आगे का मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, लेकिन ग्राफ में भी ये चीज हमको मेंशन करनी है तो मेंशन कर देते हैं। तो देखिए ये जो मेंशन करने का तरीका, ये सबका अलग अलग हो सकता है कि बाकी लोग क्या करें, जैसे कि जहां तक ये लाइन जा रही है उस पर्टिकुलर एरिया को इस तरह से बना के करें। तो मैं दो तीन तरीके से बता दूंगी जैसे भी आपको करना है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जब एग्जाम्पल कराया था तो मैंने कुछ इस तरह से आपको बताया था। शेड करना है ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये जो लोअर हाफ प्लेन है, अब देखिए ये एरो लगा है मतलब ये लाइन भी और आगे बढ़ेगी, ये भी और आगे बढ़ेगा, ये भी और आगे बढ़ेगा, ये भी और आगे बढ़ेगा। तो जितना यहां पर जितने सारे पॉइंट्स हैं लोअर हाफ प्लेन में, वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, ये पॉइंट है तो 05, ये पॉइंट है तो 50, ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ये किसके लिए करी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, लेकिन क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल नहीं लगा हुआ है इसलिए ये जो लाइन है हमने डॉटेड बनाई है, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक करना है, अच्छे से करना है ग्राफ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पॉइंट्स निकाले, ग्राफ बना दिया, एक पॉइंट उठा के रख के देख लिया तो हो गया, नहीं, बिल्कुल सिस्टमैटिक करना है जब आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तब, ठीक है। तो अगर इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो यहां पर जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। सो इस क्वेश्चन में आप ये चीज देखें कि इस इनइक्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन या फिर लेस देन अकेला नहीं है, इसमें साथ में इक्वल भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें प्लेन का एक कोई पार्ट भी रहेगा, मतलब लोअर हाफ प्लेन या फिर अपर हाफ प्लेन, साथ ही साथ इक्वल मतलब जो लाइन रहेगी वो भी इसमें इंक्लूड रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी। और स्लैक इनइक्वालिटी में हम लाइन जो है डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करते, पूरी की पूरी कंप्लीट लाइन एक ड्रॉ करते हैं, और उसका मतलब ये है कि वो भी हमारे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में इंक्लूड है, और डॉटेड का मतलब वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें लेस देन अकेला रहता है या फिर ग्रेटर देन, मतलब जो प्लेन है उसका या तो लेफ्ट हाफ रहेगा, राइट हाफ रहेगा, या फिर कभी कभी अपर और लोअर हाफ भी हो जाता है, तो अपर हाफ रहेगा या लोअर हाफ रहेगा लेकिन लाइन नहीं रहेगी। लेकिन जब यहां पर लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी आ जाता है, इसका मतलब ये है कि लोअर हाफ प्लेन अपर हाफ प्लेन में से कोई एक प्लेन तो इसका सॉल्यूशन है ही, साथ ही साथ जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो भी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यहां पर हमारी इनइक्वालिटी स्लैक इनइक्वालिटी है, इसलिए जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में वो डॉटेड नहीं होगी, सीधी सीधी कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक। ठीक है, तो इसी से हमको लाइन मिलेगी। तो 2x प्लस वाई, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में क्या करा था, x प्लस वाई था, तो x प्लस वाई लिया था, अब यहाँ है 2x प्लस वाई और यहाँ पर लेंगे इक्वल, और यहाँ 6 है तो 6 चेंज कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इक्वल लेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू हम लाइन लेंगे तभी जाके हमको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि हमको कौन सा प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसके थ्रू हमको लाइन ड्रॉ करना है, तो इसके सॉल्यूशन हमको फाइंड करने होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इस लाइन के लिए हमको सॉल्यूशंस फाइंड करने, सबसे पहले देखें x में ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी कि
डेसिमल वाली वैल्यू ना या फिर सिंपल सी वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये 6 है, तो अगर यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं क्योंकि 0 लेंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वैल्यू, है ना, ग्राफ के हिसाब से। यहाँ 2 लेते हैं, 2 2 4, 4 प्लस का है तो उस तरफ माइनस जाके वाई की वैल्यू छोटी आ जाएगी, ठीक है। तो हम ले रहे हैं एक्स की प्लेस पर 2। आप चाहें आप कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। एक्स हमने क्या लिया, 2, अब यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं तो 2 2 एक्स की प्लेस पर, है ना, वाई एज इट इज, 6 एज इट इज, 2 2 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू ये प्लस का 4 उस तरफ गया माइनस का, तो 6 माइनस 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2, ठीक। मतलब एक्स की वैल्यू हमने 2 रखी तो वाई की वैल्यू भी हमको 2 मिल गई, ठीक। अब यहाँ पर एक्स की प्लेस पर हम क्या रखें, तो अगर यहाँ पर 6 हो जाता है तो ये 6 इधर जाके 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तभी 6 आएगा, तो एक्स की प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं, 3। तो वेन एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 पुट अप करेंगे, 2 इंटू एक्स की प्लेस पर 3 प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 3 6 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू ये प्लस का 6 उस तरफ जाके माइनस का 6, 6 माइनस 6 0, x 3 होने पर y कितना मिला, 0, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन हमको मिल गए, दो सॉल्यूशन है, काफी है, लाइन तो बनी जाएगी। x कितना लिया, 2, तो y कितना मिला, 2, x लिया 3, तो y कितना मिला, 0, ठीक है। अब ये दो सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इक्वल भी है, इक्वल मतलब इसमें इक्वेशन भी हमारी शामिल है, इंक्लूड है, मतलब इक्वल वाली जो वैल्यू है वो भी इंक्लूड है, और इससे 2x + y > 6 यानी कि लोअर हाफ और अपर हाफ दोनों में से एक हाफ इंक्लूड है, ठीक है। तो इक्वल लगा हुआ है इसलिए 2x + y = 6 के सॉल्यूशन भी इंक्लूड रहेंगे, ठीक। सो यहाँ पर हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इनको हमको प्लॉट करना है, तो x2 y भी 2, तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू भी 2, ये रहा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद x3 y 0, तो x3 y 0, तो ये रहा पॉइंट, ठीक। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो मैं इस तरह से इसलिए इसको मेंशन करती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, आपको इस तरह से नहीं बनाना है, आपको पॉइंट बना के ज्वाइन कर देना है। अब इनको हमको एक सीधी लाइन से ड्रॉ करना है, डॉटेड नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि यहां पर इक्वल लगा हुआ है ना। इस तरह से सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, ठीक है, यानी प्रॉपर तरीका तो यही है, ठीक। तो ये पॉइंट है हमारा 2 2 x भी 2 y भी 2, ये पॉइंट है x3 y 0, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये है 2x + y = 6 की, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हमको ये देखना है कि भाई ये जो हमारी इनइक्वालिटी है ये किस हाफ में है, क्योंकि इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं ये तो हमारे इस सॉल्यूशन में रहेंगे क्योंकि इक्वल लगा हुआ है और हमने डॉटेड लाइन भी नहीं बनाई। बस अब हमको ये देखना है कि इस लाइन के इस तरफ वाला पार्ट है या इस तरफ वाला पार्ट है हमारा सॉल्यूशन, ठीक। तो इसके लिए वही सेम चीज हम करेंगे,
पॉइंट हम लेंगे 0 0, और 0 0 को इस इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके लिए ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0 बट नॉट ऑन द लाइन, यानी लाइन पर नहीं होना चाहिए। लाइन के लिए सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है, लाइन के इस तरफ या फिर इस तरफ फाइंड करना है ना, इसलिए लाइन का पॉइंट नहीं लेना है। तो नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0 एंड सब्स्टिट्यूटिंग इट इन द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हमारी इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। इसमें हमको x की प्लेस पर भी 0 रखना है, y की प्लेस पर भी 0, क्योंकि पॉइंट हमारा 0 0 है। तो पुट अप करते हैं, देखो 2x की प्लेस पर 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 प्लस y की प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो पहली चीज, 0 बड़ा है 6 से, 6 से 0 बड़ा है नहीं, ये चीज भी गलत हो गई, और 0 और 6 इक्वल भी नहीं, तो दोनों में से एक चीज भी यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट मींस जो ये जो पॉइंट है 0 0, इसने इसको सेटिस्फाई नहीं करा, और ये पॉइंट किससे बिलोंग कर रहा है, लोअर हाफ से। तो लोअर हाफ हमारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है, और लोअर हाफ नहीं इसका क्या मतलब हुआ, अपर हाफ इसका सॉल्यूशन है। ठीक, क्लियर। तो यहां पर हमने ये चीज मेंशन कर दी कि ये फॉल्स है, तो यहां हम देखेंगे सिंस 0 0 पॉइंट इज बिलोंग फ्रॉम लोअर हाफ प्लेन, यानी कि जो हमारा पॉइंट है 0 0, ये किससे बिलोंग कर रहा है, इस लाइन के इस तरफ लोअर हाफ है, इस तरफ अपर हाफ है, तो ये जो पॉइंट है ये लोअर हाफ से बिलोंग कर रहा है और इसने इसको सेटिस्फाई नहीं करा, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, और ये नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, अपर हाफ इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो लाइन है ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें हम लिखेंगे एक्सक्लूडिंग, तो हम लिखेंगे नहीं, इंक्लूडिंग लिखेंगे। इंक्लूडिंग क्यों, क्योंकि ये लाइन भी हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, हैंस अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर एक बार बोलकर बता दे रही हूं, तो अगर आपको कोई भी किसी भी वर्ड में डाउट लग रहा है तो आप लिख सकते हैं इसको, है ना। तो हैंस अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो अपर हाफ प्लेन का सॉल्यूशन है, ये भी मैं मेंशन करूंगी इसमें, अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द लाइन, इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो भी इसमें इंक्लूड है, तो इसलिए हमने यहां क्या लिखा, इंक्लूडिंग। पिछले क्वेश्चन में लिखा था एक्सक्लूडिंग, ठीक है, तो इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जो हमारी इनइक्वालिटी उसका सॉल्यूशन रीजन क्या है, ये लाइन और इसके ऊपर का जो पार्ट है वो अपर हाफ। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं इस चीज को ग्राफ में मेंशन कर रही हूं। तो हालांकि इसके आगे भी आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है देखिए, यहां पर भी हमारा एरो बना हुआ है, क्योंकि ये लाइन है, लाइन इस तरफ से भी बढ़ेगी, इस तरह से भी बढ़ेगी। ठीक है, तो सबका अपना अपना तरीका है, तो चाहे तो आप सीधा सीधा इस तरह से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये बनाए या ये बनाए, इस तरह से आप कर सकते हैं कि भाई ये जो पूरा एरिया है ये पूरा इसका सॉल्यूशन है इंक्लूडिंग दिस लाइन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ठीक है, बात आगे समझ में। तो यहाँ देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए।
तो अगर इसको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक इनइक्वालिटी है। तो पिछले जो दो क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग ज़्यादा नहीं है। इसको भी हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है इसका। तो 3x प्लस 4y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो यहाँ पर देखें, फिर से वही बात है कि सबसे पहले इनइक्वालिटी को आपको चेक करना है, कौन सी इनइक्वालिटी है, ठीक है, स्ट्रिक्ट है या स्लैक है। तो लेस देन के साथ इक्वल भी है, इक्वल है इसका मतलब जो लाइन बनेगी हमारी ग्राफ में वो डॉटेड नहीं बनेगी, क्योंकि इक्वल भी है मतलब लाइन भी इस सॉल्यूशन में इंक्लूड रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इनइक्वालिटी है वो स्लैक इनइक्वालिटी है, इसलिए 3x प्लस 4y और यहाँ पर हमने क्या लिया, इक्वल 12, ठीक है ना। इक्वेशन से ही तो लाइन मिलेगी, तभी जाके हमारा जो प्लेन है वो दो हाफ में डिवाइड होगा, ठीक। और दो हाफ में इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रहेगा या तो वो फर्स्ट हाफ में रहेगा या फिर सेकेंड हाफ, क्योंकि दो ही हाफ में डिवाइड होता है, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो सबसे पहले तो ये जो हमारी लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तभी जाके हम एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसमें इस तरह की वैल्यू हमको रखना है कि हमको ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज ना मिले, छोटी छोटी मिले। हालांकि आप कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं x की प्लेस पर जिससे आपको y की वैल्यू मिल सके, ठीक है। तो यहां पर मैं x की प्लेस पर सबसे पहले पुट अप कर रही हूं 0, और 0 इसलिए पुट अप कर रही हूँ कि देखो 0 यहाँ पुट अप करूंगी तो ये पूरा 0 4 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो छोटी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप 0 ही यहाँ रखें, आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। x की प्लेस पर एक वैल्यू रखने पे आपको y की एक वैल्यू मिलेगी। तो मैंने x की प्लेस पर 0 रखा, 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 12। तो 3 इंटू 0 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, तो यहाँ पर हो गया 4y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 12 अपॉन 4, तो y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू मिली 3, ठीक। अब यहां पर मैं x की प्लेस पर 4 रख रही हूँ, यहां पर 4 रखूंगी तो 4 3 का कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, 12 माइनस 12 0, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक। तो x इक्वल टू 4 रख रही हूँ, तो यहाँ पर 4 रखूंगी तो 3 इंटू 4 प्लस 4y इक्वल टू 12। x की प्लेस पर 4 रखा, 3 4 जार 12 प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक। तो ये 12 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, तो 4y इक्वल टू 12 माइनस 12, तो 4y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ये 4 अपॉन में जाएगा इसके 0 के, तो 0 ही हो जाएगा, तो 0। तो x 4 पुट अप करा तो y मिला 0। बस दो ही वैल्यू काफ़ी हैं, दो वैल्यू से, दो पॉइंट से हमको एक लाइन तो मिल ही जाएगी। तो x हमने 0 रखा तो y हमको कितना मिला 3, x हमने 4 रखा तो y हमको मिला 0, ठीक। तो चलिए अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इन्हीं दो पॉइंट से। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को हमको यहाँ पर मेंशन करना है।
एक्स जीरो वाई थ्री, तो एक्स जीरो वाई थ्री ये पॉइंट मिल गया, एक्स फोर वाई जीरो, एक्स फोर वाई जीरो, तो ये दो पॉइंट मिलकर इनको ज्वाइन कर देंगे। और यहां पर इसको हमको ज्वाइन करना है तो हमको एक डॉटेड लाइन नहीं बनाना है क्योंकि यहां पर इक्वल भी है लेस देन के साथ, ठीक है। अगर अकेला लेस देन होता तो यहां बनती डॉटेड लाइन, ठीक। सो यहां पर ये लाइन किसकी है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, इसी के सॉल्यूशंस फाइंड करे थे, इनको हमने मेंशन करा जिससे हमको लाइन मिली। और ये पॉइंट है 40, ये पॉइंट है 03, ठीक है। तो एक लाइन हमको मिल गई और ये लाइन इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड है, रीजन क्या है, लेस देन के साथ इक्वल भी है। अब हमको बस ये देखना है कि हमारी जो इनइक्वालिटी है उसके ये लाइन के सॉल्यूशन तो रहेंगे लेकिन इस लाइन के लोअर हाफ में यानी इस हाफ में या फिर इस तरफ जो अपर हाफ है, इन दोनों हाफ में से किसी एक हाफ में इसका सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हम जो करते हैं, अभी तक जो क्वेश्चन किए, दो क्वेश्चन किए इससे पहले, एक एग्जाम्पल भी किया है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि एक पॉइंट लेंगे 0 0 जो कि लोअर हाफ से है, इस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में पुट अप करेंगे। अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है इट मीन्स लोअर हाफ में इसका सॉल्यूशन है, और अगर नहीं करता है मतलब अपर हाफ में, ठीक। सो यहाँ पर हमने एक पॉइंट सेलेक्ट करा 0 0 और इसको सब्सिट्यूट करेंगे जो हमारी इनइक्वालिटी है उसमें, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर x की प्लेस पर 0, y की प्लेस पर 0 पुट अप कर रही हूँ, या फिर चलो लिख ही लेते हैं 3x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 12, ठीक। तो x की प्लेस पर 0 रखा तो 3 इंटू 0 प्लस 4y की प्लेस पर 0 रखा, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12, इनको सॉल्व करा तो 3 इंटू 0 कितना हो गया, 0 प्लस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12, 0 प्लस 0 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो अब आप इधर देखें तो जो हमारी इनइक्वालिटी उसमें लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो पहली चीज़, 0 इज़ लेस देन 12, तो 0 12 से छोटा है, हाँ है, इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 0 इज़ लेस देन 12 मतलब 12 से छोटा है 0, इसका मतलब ये ट्रू है, विच इज़ ट्रू, और ट्रू है इसका मतलब ये पॉइंट लोअर हाफ में है, लोअर हाफ के पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये हुआ कि लोअर हाफ हमारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है विद दिस लाइन, यानी ये लाइन और इसके साथ साथ जो लोअर हाफ है पूरा वो हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ठीक। तो बस सिंपल है, इस चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख देंगे। सो यहाँ पर हमने इस चीज़ को मेंशन कर दिया कि ये तो ट्रू हो गया, लेकिन ट्रू किससे हुआ, पॉइंट 0 0 से। अब हमको ये देखना होगा कि 0 0 पॉइंट किस हाफ से बिलोंग कर रहा है। तो 0 0 पॉइंट बिलोंग फ्रॉम लोअर हाफ प्लेन, इस लाइन के कारण ये लोअर हाफ हो गया, ये अपर हाफ हो गया, और 0 0 पॉइंट लोअर हाफ से बिलोंग कर रहा है, और लोअर हाफ के इस प्लेन ने जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई किया, इसका मतलब लोअर हाफ इसका सॉल्यूशन है। तो हैंस लोअर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन, क्योंकि लाइन इसलिए इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी है ना, तो इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी, ठीक। और इस चीज को हमको ग्राफ पर भी मेंशन करना है तो कर देते हैं। तो देखें, एक तो तरीका ये है, आप चाहें तो बिल्कुल सीधा सीधा आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इस लाइन के इस तरफ का जो हमारा हाफ है,
इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। और आपने अभी क्वेश्चन नंबर वन में देखा था, क्वेश्चन नंबर वन में हमने कैसे किया था, इसको एक तरह से थोड़ा सा व्यवस्थित करके हमने इसको मेंशन किया। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन में जो किया है मेंशन आपने, और चाहे तो इस तरफ भी, क्योंकि लाइन जो है इसके इस तरफ का जो हमारा रीजन है लोअर हाफ प्लेन, ये पूरा का पूरा हमारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। और यहाँ पर लाइन हमने डॉटेड नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ पर इक्वल था, इसलिए ये जो लाइन है ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे हम, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो आई होप आपको जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है इसके ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।